Good morning, everyone. Continuing with our next topic, जो हमारा शुरू हो चुका था, that is diminishing balance method. Next जो हम question कर रहे हैं, that is question number 11, calculation of balance of machine in the beginning of current year. कि आपको information given है, लेकिन current year में आपका जो balance है beginning में asset का वो given नहीं है, तो आप उसे कैसे calculate करेंगे? तो देखते हैं question. Deepak Communication purchased a computer for 44,000 rupees, including therein a printer worth 9,000. The depreciation on computer is charged by diminishing balance method at the rate of 10% per annum. During the sixth, that is the current year, the printer became useless due to damage. The damaged printer was sold for 4950 and the amount was credited to computer account. अब इसमें जैसे अगर हम क्वेश्चन को इतना ही हमने पढ़ा है, आगे भी ये क्वेश्चन हम उसे भी रीड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लियरली जो चीज़ पता चल रही है, दैट इज यहाँ पे ये सिर्फ प्रिंटर की बात कर रहा है कि करंट ईयर में जो प्रिंटर है वो यूजलेस हो गया, डैमेज हो गया और प्रिंटर को आपने सोल्ड ऑफ कर दिया है. और ये जो 44,000 है, इसी में 9,000 जो अमाउंट है प्रिंटर की, वो इसी में इंक्लूड है. नेक्स्ट जो कंटिन्यू करें हम इस क्वेश्चन को, प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट फॉर द करंट ईयर एडजस्टिंग देयर इन द कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल एंड द लॉस सफर्ड ऑन द डैमेज्ड कंप्यूटर एंड द डेप्रिशिएशन ऑफ द प्रिंटर फॉर द करंट ईयर. देखते हैं इसमें सबसे पहले कॉस्ट फर्स्ट ईयर में कितनी है, 44,000. कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, 35,000, और प्रिंटर की कितनी है, 9,000. इसको हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही अलग अलग कर लिया है. डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% आपने लगाया, टोटल 44,000 था तो 44,000 पे 10% आपने लगाया. अब इसमें कंप्यूटर पे कितना था, 35,000 का, मतलब ये जो 4400 है इसमें प्रिंटर का कितना डेप्रिशिएशन है और कंप्यूटर का कितना डेप्रिशिएशन है. प्रिंटर का है 900 और कंप्यूटर का है 3500. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4400 हुआ. तो दो तरीके हैं, आप या तो आप कंप्यूटर पे 10% निकाला आपने अलग से और प्रिंटर पे निकाला 10% अलग से और फिर उन दोनों को ऐड कर दीजिए. तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू फर्स्ट ईयर में हो गई. देन इसी को कंटिन्यू किया हमने डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में, 39600 पर आपने लगाया और ये कंप्यूटर और प्रिंटर को अलग अलग करें तो 31500 और 8100 पे आपने लगाया. देन सेम सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में आपको ये रिटर्न डाउन वैल्यू मिल गई एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर. ये आपकी है 25981. कंप्यूटर की कितनी वैल्यू है, 20667 और 5316. अब जो फिफ्थ ईयर में क्लोजिंग होगा वही तो सिक्स्थ ईयर का बिगनिंग होगा. तो फिफ्थ ईयर में क्लोजिंग कितना है आपका, 25981 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद. तो सिक्स्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका, 9581. अब इस ईयर में आपने प्रिंटर को सेल किया तो बाय बैंक अकाउंट 4950. अब उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो आपने निकालना है. वो कैसे निकलेगा, आपका प्रिंटर की वैल्यू क्या रह गई थी फिफ्थ ईयर में, वो कितनी रह गई थी, 5314. अब 5314 में से आपने उसे बेचा कितने का, 4950 का. तो 5314 माइनस 4950 करेंगे तो आपका क्या आया, लॉस आया. आपने कम का बेचा जबकि वैल्यू कितने की थी, ज़्यादा की, तो आपको लॉस कितने का हुआ, 364.41 का. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन ये प्रिंटर आपका निकल गया, जो भी पूरी आपकी एसेट थी टोटल. अब बचा जो आपका डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर लगेगा कंप्यूटर्स का जो अमाउंट बचा उसके ऊपर लगेगा. तो ये जो हमारा इस 25981.56 में से अगर हम प्रिंटर का जो कॉस्ट है वो माइनस कर देते हैं, 5314.41 इसकी वैल्यू हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 20667.15. अब जो डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा वो किस पे लगेगा, इस अमाउंट पे लगेगा, 20667.15 का 10%. तो ये आया 20666.72 और फिर आपका बैलेंस आ गया जो कंप्यूटर्स है उसका. तो ये आपके सिक्स्थ ईयर का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज चेंज इन मेथड ऑफ
डेप्रिसिएशन। कई बार क्या होता है कि सपोज जो कंपनी है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती आ रही है और थोड़े टाइम पीरियड के बाद उसे लगता है कि नहीं, हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेथड चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेथड को चेंज करने का जो रीज़न है वो वैलिड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो डेप्रिसिएशन मेथड है, आपने अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया है तो आप उसी को यूज़ करेंगे हर ईयर में। लेकिन डेप्रिसिएशन मेथड है, आप कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंज उसे कर सकते हैं। वो कब चेंज कर सकते हैं? अगर आप नया मेथड जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड है अडॉप्ट करना बाय स्टेट, मतलब जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। देन जो न्यू मेथड है अगर रिक्वायर्ड है विद द कंप्लायंस ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर आपने जो कंसिडर किया, जो आपका चेंज करने का कंसिडर आपने किया, वो इसलिए किया क्योंकि नया मेथड जो है आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है फॉर द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप जो मेथड है वो चेंज कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो क्या कि नेसेसरी है क्लियर करना कि जो भी इफेक्ट होगा, किस वजह से चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो आपको शो करना पड़ेगा। आपको उसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा कितने का इफेक्ट होगा, और उसे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अप्लाई किस डेट से होगा? उस डेट से जिस डेट से आपने एसेट को परचेज किया है, उसे बिजनेस में यूज करना शुरू किया है। तो जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव दिया जाएगा। सिंपल सा मतलब, इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, सपोज आपने एसेट खरीदी 2008 में, आप स्ट्रेट लाइन मेथड से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 8 में खरीदी, 2012 आ गया, 2012 में आपको लगा कि मेथड हमें चेंज करना चाहिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। अब उसका इफेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन वो इफेक्ट आप किस डेट से दिखाएंगे? वो इफेक्ट दिखाएंगे आप 2008 ऑनवर्ड्स की। अगर 2008 ऑनवर्ड्स आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते तो जो भी इफेक्ट पड़ता डेप्रिसिएशन के अमाउंट पर, वो आप बैक ईयर से दिखाएंगे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप उसका देंगे। तो इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। शिव ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 8 लाख रुपीज ऑन 1st April 2007 एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। On 31st March 2011, it was decided to change the depreciation method from diminishing balance to straight line method. Shiv Traders ने मशीनरी खरीदी 8 लाख रुपए की 1st April 2007 को, रेट ऑफ depreciation जो था, जो चार्ज कर रहे थे आप, कर रहे थे 10% पर एनम से diminishing balance method से। 31st March 2011 को आपने डिसाइड किया कि चेंज करेंगे आप depreciation method diminishing balance method की बजाय आप स्ट्रेट लाइन मैथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इसे इफेक्टिव बनाएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देर वॉज नो चेंज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी डेप्रिसिएशन में 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2010 तक, उसे आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन 31st March 2011। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1st April 2007 टू March 31st 2011, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। तो 2007 से हमें बनाना है, और तो 1st April 2007 को ही आपने मशीनरी खरीदी थी, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आप यूज़ कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स बन रहे हैं। तो टू बैंक 8 लाख बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000 हो गया बाय बैलेंस सीडी। इसे कैरी फॉरवर्ड किया, उस ईयर का डेप्रिसिएशन आपने लगाया 7,20,000 के ऊपर 10%, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग ही आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। देन थर्ड ईयर में 640 पे आए, डेप्रिसिएशन लगाया, आप बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर में आप 2010 में आ गए, तो बैलेंस आ गया और उसके ऊपर आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया। अब इस ईयर में आप जो मेथड है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है।
on 31st March 2011, it was decided to change the depreciation method from diminishing balance method to straight line method. तो मतलब 2011 में आप इसे चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप 2007 से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता है, और स्ट्रेट लाइन से लगाते तो कितना बनता, और दोनों में जो भी डिफरेंस है वो इस ईयर में आप ट्रांसफर करेंगे. देखिए टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1st अप्रैल 2007 टू मार्च 31st 2010 ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग हम कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 80,000, 72,000. ये जो लगाया है हमने एवरी ईयर डेप्रिसिएशन, इसको हमने ऐड कर लिया 80,000, 72,000 and 64,800. तो ये आ रहा है टोटल 216,800. देन टोटल डेप्रिसिएशन अगर हम नए मेथड से लगाते, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते, तो हमारा कितना आता, 80,000 पर ईयर. तो मतलब 80,000 × 3 240,000 आता. तो मतलब हमने कितना कम डेप्रिसिएशन लगाया है अगर हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो किया, 23,200. तो ये 23,200 का जो इफेक्ट है हमें P&L अकाउंट में देना पड़ेगा. तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है वो कितना, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 23,200 का. तो ये हमने बाय P&L अकाउंट लिखा 23,200, और इस ईयर में हमने जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000. ठीक है जी. 31st मार्च 2011, ये 31st मार्च 2011 को आपने इसका इफेक्ट दिया. अब जो बैलेंस बचा आपका ये 583,200, ये जो अमाउंट है इसमें से आपने माइनस किया 23,200 and 80,000. जो आपका बैलेंस आया मशीनरी का वो बैलेंस हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, और इस बैलेंस को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया. तो ये था हमारा क्वेश्चन. अगर आप चेंज करते हैं बैलेंस, तो इसके साथ ये जो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.